बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इसमें इत्तेसाद के आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको जो है वो दिल के धागे से ईद मुबारक, ईद उल फितर जो है वो मुबारक हो। और आज मैं नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सका था, और काफ़ी लोग जो नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे वो आके मुझे मिले भी। आप लोगों ने छोटी सी महफिल देख ली, इसके अलावा कुछ दोस्त और भी आए थे जो मिल के तो जो है वापस चले गए। और हमारे घर में जो है वो ज़्यादातर तो चलता है, पंजाब में भी ऐसे चलता है कि मोटी सवियाँ जो है वो मीठे के तौर पे यानी कि हम लोग खाते हैं हर ईद की नमाज़ के बाद। ये हर ईद की नहीं, सॉरी, हर ईद उल फितर की नमाज़ के बाद। तो सवियाँ जो है मेरे पास आ गई हैं, अभी जो है उसके ऊपर ज़रा क्या उसको बोलते हैं टिप टॉप करते हैं, फिर जो है उसको खाना शुरू करते हैं। तो ये हमारी सोयों की प्लेट जो है वो टिप टॉप होके आ गई, और अभी जो है वो शुरू करते हैं। वैसे कहा इस तरह से जाता है कि ईद की नमाज के बाद जो है वो आप लोग कुछ मीठा खाओ, और आपका जो मतलब प्रीवियस टाइम हुआ जो सारा वो आज मतलब सयामीन के रोज़ा जो है वो काउंट होता है। तो हमारे यहाँ जो है वो सोइयाँ और साथ में चीनी दही इस्तेमाल किया जाता है, ये खाया जाता है। तो आप लोगों के यहाँ क्या खाया जाता है हमें जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों में से मोस्ट लोगों के घरों में शायद यही खाया जाता होगा। मैं तो जब इसको इंजॉय करता हूँ, और सभी दोस्त जो है वो अब अपने अपनी जगह पे बिजी हो गए हैं, और मैं जो अपने कमरे में अभी कुछ टाइम बाद इरादा बन रहा है कि कुछ टाइम बाद उठ के जो है वो नहाते धोते हैं, और हम भी जो है वो नए कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं जानते, इसलिए पहले मैंने डिस्टर्ब नहीं किया सबको। सभी जो थे वो अपने अपने दौड़ों में लगे हुए थे कि सब ने ईद की नमाज़ जो है उसका अहतमाम करना था, वो पढ़ने जाना था। तो इसलिए मैं ज़रा मतलब लेटर आप ही जब उठते हैं, कपड़े छपड़े चेंज करते हैं हम भी, और नहाते धोते हैं, और अभी हम इंजॉय कर रहे हैं बिरयानी, मैं और कासिम साहिब जो है हम दोनों मिलकर इंजॉय कर रहे हैं बिरयानी। और इसी के साथ जब हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, सदा खुश रहें आप। अल्लाह।